हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रीटवाइज एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यूज़ एनालिसिस टुडे। तो आज 6 दिसंबर है और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करना है हमें। सबसे पहले जो न्यूज़ है वो है एक बर्ड से रिलेटेड, दैट इज़ कॉल्ड कीवी। जो न्यूजीलैंड की बर्ड है कीवी, वो एक्चुअली थ्रेट में है, इसको रिस्क है, एक्सटिंक्शन का रिस्क है इसको। लेकिन अभी बात ये है कि जो IUCN रेड लिस्ट निकालती है उसमें उसने ऑक्टेरियो कीवी को और जो नर्दर्न ब्राउन कीवी है उसको एंडेंजर्ड से वल्नरेबल में कर दिया है। तो ये याद रखिएगा कि इस पे क्वेश्चंस बन सकता है एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स में, कि जो ऑक्टेरियो कीवी है या जो नर्दर्न ब्राउन कीवी है, इट वाज इन न्यूज़, इसका स्टेटस क्या है। तो ये अब एंडेंजर्ड से वल्नरेबल पे आ गई है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि थोड़ा सा खतरा कम हो गया है। बट जो प्रैक्टिकल थिंग है उसके अकॉर्डिंगली अभी, या फिर जो जेन्युइन न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंगली अभी ये इसका खतरा कमा नहीं है। और इसको इस पे जो थ्रेट देखा गया है मोस्टली वो देखा गया है अनसस्टेनेबल फार्मिंग एंड द फिशरीज प्रैक्टिसेस। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसके लिए, इसका हैबिटेट लॉस हो रहा है। तो ये कीवी जो है वो एक फ्लाइट लेस बर्ड है, याद रखिएगा, फ्लाइट लेस बर्ड है, नेटिव टू न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में पाई जाती है, वहाँ की नेटिव है ये कीवी। तो कीवी बर्ड जो है वो याद रखिए एंडेंजर्ड से वल्नरेबल पे आ गई, वल्नरेबल है इसका अभी का IUCN स्टेटस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये न्यूज़ है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है IUCN के बारे में जान लेते हैं कि जो IUCN है वो क्या है। तो देखिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज़ अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि नेचर के कंजर्वेशन के लिए या नेचुरल रिसोर्सेज के सस्टेनेबल यूज़ के लिए काम करती है, कि किस तरीके से लोगों को अवेयर करना, इसका अपना एक क्राइटेरिया जिस पे ये काम करती है। एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज़ बेस्ट नोन टू वाइडर पब्लिक फॉर कंपाइलिंग एंड पब्लिशिंग द IUCN रेड लिस्ट थ्रेटेंड स्पेसीज़। तो ये जो रेड लिस्ट निकालती है थ्रेटेंड स्पेसीज़ का, कि भाई अभी ये जो पर्टिकुलर स्पेसीज़ है ये कौन सी कैटेगरी में है, चाहे वह बर्ड हो या फिर कोई फ्लावर हो या फिर कोई जो आपके कह सकते हैं एनिमल हो, तो वो हर चीज़ का ये एक लिस्ट निकालती है, उससे फिर कंजर्वेशन के लिए आगे काम शुरू होता है। तो IUCN हैज़ ऑब्जर्वर एंड कंसल्टेटिव स्टेटस इन यूनाइटेड नेशंस, याद रखिए कि IUCN का स्टेटस कैसा है, ऑब्जर्वर स्टेटस है और कंसल्टेटिव स्टेटस है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, एंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड ऑल्सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेवरल इंटरनेशनल कन्वेंशंस। तो इनके थ्रू बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी हुए हैं, जैसे कि नेचर कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी, जिसमें कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर बनाया गया एंड वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर बनाया गया। तो ये सारी चीज़ें इनके मदद से की गई हैं। एंड IUCN वॉज इस्टेब्लिश इन 1948, याद रखिए, बिल्कुल नहीं भूलना है IUCN को कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1948 में। देखिए बहुत छोटा सा पॉइंट है ये, लेकिन अगर प्रिलिम्स में इसमें एक लाइन लिखी हुई रहेगी, आपको पता है ऐसे 1, 2, 3, 4 स्टेटमेंट में कुछ नाते हैं, अगर एक स्टेटमेंट ये लिखा रहेगा कि 1948 में इसको इस्टेब्लिश किया गया, तो आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि हुआ था कि नहीं हुआ था। तो याद रख लेना है IUCN कब इस्टेब्लिश किया गया, 1948 में इस्टेब्लिश किया गया है, एंड प्रीवियसली कॉल्ड द इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, इसको पहले ये बोला जाता था, फिर वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी बोला जाता था 2008 तक, और अभी इसको बोला जाता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, याद रखिए इसको। नेक्स्ट न्यूज़ है चाइना टू स्टॉप फंडिंग CPEC रोड प्रोजेक्ट। तो चाइना से ऐसी कुछ न्यूज़ आ रही है कि जो फंडिंग कर रहा था अभी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने में, उस फंडिंग को रोकने वाले हैं क्योंकि कुछ करप्शन वगैरह का रिपोर्टिंग आ रही है। तो हाँ, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि क्यों रोक रहे हैं, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो ये CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो क्या है, क्योंकि इसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। इन द सेंस इंडिया ये नहीं चाहता है कि CPEC का फॉर्मेशन हो, बिकॉज इसको जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है POK, वहाँ से लेके जाया जा रहा है। तो इंडिया का पूरी तरीके से इंडिया की मनाही है, वो इसको पास नहीं कर रहे हैं, कि इंडिया के विलिंगनेस से ये नहीं बन रहा है। तो इसमें जो ये पूरा प्रोग्राम है CPEC, वो चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का पार्ट है, याद रखिए। और CPEC वॉज लॉन्च इन 2015 में इसको लॉन्च किया गया था CPEC को, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और इसको कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट किया जा रहा है, इट लिंक्स चाइनाज रेस्टिव जिंगजियांग रीजन विद पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस। तो चाइना के जिंगजियांग रीजन से बलूचिस्तान प्रोविंस तक इसको कनेक्ट किया जा रहा है।
ये है उसका इमेज। अगर आप इमेज के फॉर्म में देखना चाहेंगे तो सीपीईसी का ये पूरा फॉर्मेशन है, यहाँ से ये जिंगजियांग रीजन है और यहाँ से होते हुए ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है ये वाला पोर्शन, और यहाँ से ये होते हुए निकल रही है बलूचिस्तान की तरफ, याद रखिए। नेक्स्ट न्यूज़ है, गवर्नमेंट गिव्स ग्रीन लाइट फॉर सिंगल जज एनजीटी बेंच। तो देखिए, एनजीटी बेंच का जो रूल होता है अभी तक का, वो ये है कि दो या उससे अधिक मेंबर होने चाहिए जो जुडिशियल बेंच बनता है किसी भी फैसले को सुनाने के लिए। उसमें एक जुडिशियल मेंबर होगा और एक कोई एक्सपर्ट मेंबर होगा। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट है हमारी, उन्होंने अप्रूवल भी दे दिया है इस चीज़ को कि आप वन मेंबर बेंच बना सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसमें आप पॉजिटिव पॉइंट्स भी इसको बना के लिख सकते हैं, नेगेटिव भी लिख सकते हैं। पॉजिटिव तो ये होगा कि भाई फैसले जो हैं वो जल्दी आएंगे। अब इस पे आर्टिकल आ ही जाएगा एक दो दिन में, बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है कल के डेट में। अगर इसमें मान लीजिए अगर एक्सपर्ट नहीं हुए, एक ही मेंबर का जज का बेंच बना दिया गया, तो दिक्कत ये हो सकती है कि जो फैसले आएंगे वो बायस्ड हो सकते हैं या फिर बहुत एक्यूरेट फैसले नहीं दिए जाएंगे। ये चीज़ें हो सकती हैं जिसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी होंगे। एनजीटी के बारे में आप जानते ही हैं, इसको पार्लियामेंट के एक एक्ट से बनाया गया था, और जो आपका ये एनवायरमेंटल राइट्स है आपके पास, फंडामेंटल राइट, दैट इज़ आर्टिकल 21, ये राइट टू लाइफ विद डिग्निटी या फिर राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट, उसके ही तहत इसको बनाया गया है। और जो अर्थ समिट हुआ था रियो दे जेनेरियो में, अर्थ समिट जब हुआ था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट 1992 में, तो उसी का बेसिस लेते हुए इसको क्रिएट किया गया था। और ये बहुत अच्छा कहीं ना कहीं काम भी करती है एनजीटी जो है, और अभी तो खास करके आज के डेट में इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है एनजीटी। तो आपको एक एक बात क्लियर होनी चाहिए, और भी एक साउदर्न बेंच भी इसका बनाया गया, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए एनजीटी के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ है पुलिस रिफॉर्म पे। तो देखिए, हम लोग पुलिस रिफॉर्म पे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो नहीं था, बट हमें पता होना चाहिए कि जो प्रकाश सिंह केस है, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, मेंस के लिए भी और प्रिलिम्स के लिए तो है ही। तो ये जो प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस का जजमेंट आया था 2006 में, प्रकाश सिंह जी जो थे वो पूर्व आईपीएस ऑफिसर थे, बहुत बड़े पद पर थे ये, और फिर इन्होंने जब ये रिटायर्ड हुए थे तब इन्होंने केस फाइल किया था, और उसके बाद इनका जजमेंट जो आया था वो 2006 में आया था, हालांकि बहुत दिनों के बाद आया था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट डायरेक्टिव्स दिए थे, 7 डायरेक्टिव्स के नाम से जाना जाता है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पुलिस रिफॉर्म पर आपका एक आंसर आराम से तैयार हो सकता है। तो इसमें डायरेक्टिव्स के तौर पर इन्होंने बोला था कि लिमिट पॉलिटिकल कंट्रोल, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए पुलिस के काम में, एंड स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाने की बात की थी, इंश्योर दैट द स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट एक्सरसाइज अनवॉरंटेड इन्फ्लुएंस और प्रेशर ऑन द पुलिस। मतलब पुलिस को इंडिपेंडेंट बनाया जाना चाहिए, उनके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस या कोई प्रेशर नहीं क्रिएट किया जाना चाहिए। दैट मीन्स जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो अलग होना चाहिए पुलिसिंग सिस्टम से। सेकेंड, उन्होंने बताया अपॉइंट बेस्ड ऑन द मेरिट, मतलब अपॉइंटमेंट कैसे हो, मेरिट के बेस्ड पर होना चाहिए, अपॉइंटमेंट शुड बी बेस्ड ऑन द मेरिट, एंड सीनियोरिटी के आधार पर कई बार हो जाता है तो अपॉइंटमेंट, या फिर जैसे जो भी है करप्शंस वगैरह शामिल हो जाते हैं बीच में। तो उन्होंने क्लियर कट बोला कि मेरिट के आधार पर होना चाहिए अपॉइंटमेंट, एंड इंश्योर द DGP इज़ अपॉइंटेड थ्रू अ मेरिट बेस्ड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस एंड सिक्योर्स अ मिनिमम टेन्योर ऑफ 2 ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो टेन्योर है वो मिनिमम 2 ईयर्स का होना ही चाहिए एक जगह पे, वो इधर से उधर शिफ्ट ना हो। पता चला कहीं पे कोई DGP काम शुरू करता है किसी केस में तो उसको वहाँ से ट्रांसफ़र करा दिया जाता है, तो वो क्या होता है, एक पॉलिटिकल इंटरवेंशन होता है वहाँ पे, और उससे फिर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बिगड़ता चला जाता है। थर्ड, इन्होंने बताया फिक्स मिनिमम टेन्योर, एक मिनिमम टेन्योर होना ही चाहिए, सिर्फ DGP के लिए ही नहीं, जो SHOs हैं, जो और लोग पुलिस सुपरिटेंडेंट्स हैं, जो लोग काम करते हैं, उनका भी फिक्स और मिनिमम टेन्योर फिक्स किया जाना चाहिए, 2 वर्ष का हो, इन्होंने रिकमेंड किया था कि वो मिनिमम 2 ईयर का होना चाहिए। फोर्थ है सेपरेट पुलिस फंक्शन, मतलब पुलिस का काम अलग होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो अलग होनी चाहिए, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो लोग होते हैं वो अलग होने चाहिए, एक ही व्यक्ति दोनों काम नहीं करने चाहिए, इन्होंने क्लियर कट ये बोला। फिफ्थ, इन्होंने बताया सेट अप फेयर एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, दैट इज़ पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड, इन्होंने PEB बनाने की बात की, पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड टू डिसाइड एंड मेक रिकमेंडेशंस ऑन द ट्रांसफ़र पोस्टिंग प्रमोशंस एंड सर्विस रिलेटेड मैटर्स। जो ये आपस के सिस्टम में जो बदलाव आता है, लोगों के तबादले किए जाते हैं, ट्रांसफ़र होता है, पोस्टिंग होती है, उसके लिए एक पर्टिकुलर बोर्ड हो जो कि रिकमेंडेशन दे, और जो भी
मान लीजिए किसी का ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसकी देख रेख करें कि क्या ये सही बेसिस पे हो रहा है कि नहीं, वो सारी चीज़ों के को कंडक्ट करने के लिए एक एक बोर्ड होना चाहिए, उन्होंने ये बोला। सिक्स, उन्होंने बोला कि एस्टैब्लिश पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी इन ईच स्टेट, हर राज्य में एक पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी भी का गठन होना चाहिए, अ सिलेक्शन कमीशन, तो एक सिलेक्शन कमीशन का भी गठन होना चाहिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव्स हैं ये, इसको याद रखेंगे आप लोग। और नेक्स्ट न्यूज़ है ICARDA साउथ एशिया एंड चाइना रीजनल प्रोग्राम। तो देखिए ये जो एग्रीकल्चर वगैरह के सेक्टर में जब कॉपरेशन होता है एक कंट्री का दूसरी कंट्री से, तो उसी से जुड़ा हुआ ये पूरा मीटिंग था। और ये फिफ्थ रीजनल कोऑर्डिनेशन मीटिंग था ICARDA का, साउथ एशिया चाइना रीजनल प्रोग्राम था ये, कंडक्ट किया गया था इसको दिल्ली में, याद रखिए दिल्ली में हुआ है इस बार ये प्रोग्राम। और जगह से लोग शामिल हुए थे जैसे कि अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, चाइना, इथोपिया, इजिप्ट, इंडिया, मोरक्को, नेपाल, पाकिस्तान एंड सूडान, इतने सारे देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और कोऑपरेशन की बात की थी एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसके बाद इसमें की गई थी। तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिल्ली में हुआ है तो इस वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ है आकाश मिसाइल, आकाश मिसाइल से जुड़ा हुआ क्या न्यूज़ है। तो जाहिर सी बात है छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है भाई कि ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, आकाश जो है वो सरफेस टू एयर मिसाइल है, याद कर लें अभी इसी वक्त। तो इसको अभी सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है, टेस्टिंग हुई है इसकी, एंड इज़ द फर्स्ट सुपरसोनिक सरफेस टू एयर मिसाइल, फर्स्ट सुपरसोनिक है, याद रखिए सुपरसोनिक सरफेस टू एयर मिसाइल है ये आकाश, और इंडिजिनसली बिल्ड है, इसको DRDO ने बनाया है अंडर द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, इसको बनाया है DRDO ने, एंड इट इज़ पावर्ड बाय द रामजेट रॉकेट प्रपल्सन सिस्टम। तो इसमें RRPS भी है, रामजेट रॉकेट प्रपल्सन सिस्टम भी इंक्लूडेड है। And also it is a mid-range surface to air missile and it is a medium-range nuclear capable supersonic missile. तो nuclear capable है ये भी याद रखेंगे, तो important है science tech के notes में आप लोग इसको update कर सकते हैं। तो questions का answer देख लेते हैं हम लोग, जो कल हम लोग ने question देखा था। तो global hunger index जो है वो किसके द्वारा prepare किया जाता है, IFPRI के द्वारा इसको prepare किया जाता है, आपको answer पता भी है, बहुत सारे लोगों ने answer किया था, वेल डन, बहुत अच्छा आंसर था, ऑलमोस्ट सभी ने ही सही आंसर दिया था कमेंट बॉक्स में। तो आप लोग जो नए व्यूअर्स हैं, जो लगातार नए नए लोग देखते हैं इस वीडियोस को, तो उनसे ये गुजारिश है कि क्वेश्चंस का आंसर दें कमेंट बॉक्स में। हालांकि आज क्वेश्चन इसमें नहीं डिस्कस किया गया है, इस क्वेश्चन को कल मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन में इंक्लूड करूँगी, आज हम आंसर देख रहे हैं सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन है बाबा बुदानगिरी रेंज कहाँ पर है, तो इसका आंसर आपको पता ही है, आप इसका आंसर सही क्या है, वेस्टर्न घाट। और द थर्ड क्वेश्चन क्या था, कोस्टल शिपिंग एग्रीमेंट किसके द्वारा किया गया था, कौन से ग्रुप के द्वारा, तो उसका सही आंसर है बिमस्टेक। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम आज के ही टॉपिक से ले लेते हैं। तो आज आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो अभी हमने देखा बर्ड कीवी है ना, कीवी पहले तो कि वो कहाँ की नेटिव बर्ड है ये बताना है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी उसका जो स्टेटस है वो क्या बदला है, मतलब किस कैटेगरी से किस कैटेगरी में डाला गया है IUCN के द्वारा, आप वो भी लिखेंगे अपने कमेंट बॉक्स में। तो देखते हैं कि आज का ही वीडियो सुन के, और आप लोग बैक नहीं होंगे, ये क्वेश्चन हम लोगों ने जाहिर से बात है लास्ट में डिस्कस किया है, तो आपको आज का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में बिना फर्स्ट स्लाइड को देखे हुए। तो आपको देखना है कि आपको याद है कि नहीं याद है कि इसका जो स्टेटस है वो अपग्रेड हुआ है या डिग्रेड हुआ है, और दूसरा वो कहाँ की नेटिव है, कौन सी कंट्री की नेटिव है, क्या इंडिया की तो नहीं है, तो आंसर बताएंगे आप लोग इसका। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन, एंड काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं, आप लोगों को फ़ायदा मिल रहा है इससे, तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की। और प्लीज़ नोट्स ज़रूर बनाएं, आई मस्ट टेल यू, पढ़ाई के पीछे भागो मत, बस रुक के अच्छे से पढ़ो, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो भी पढ़ते हो उसका आउटकम बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, आपको याद रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 3-4 महीने में हमारे पास बहुत सारे न्यूज़ इकट्ठा हो गए हैं, तो लास्ट मोमेंट पे कंफ्यूजन होने के बहुत चांसेस रहेंगे। तो प्लीज़ प्रिपेयर अ नोट्स, एंड थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडी।